हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हॉरर ट्यूब चैनल में। लास्ट टू वीडियोस में हमने इंसीडियस सीरीज के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, एंड नाउ आज की इस वीडियो में हम इंसीडियस चैप्टर के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंसीडियस चैप्टर 3 की स्टोरी इंसीडियस फर्स्ट और इंसीडियस सेकेंड के बीच की है। अगर आपने इंसीडियस के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखा तो पहले उसे देख ले, नहीं तो ये वीडियो सीधा सर के ऊपर से जाने वाली है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। तो इंसीडियस चैप्टर 3 की कहानी एक लड़की के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम क्वीन ब्रैनर है। क्वीन की फैमिली में बस तीन लोग ही होते हैं, क्वीन, उसके फादर सीन ब्रैनर और उसका एक छोटा भाई। क्वीन खुद को काफ़ी अकेला महसूस करती थी क्योंकि 1.5 साल पहले ही उसकी मॉम की मौत कैंसर की वजह से हो गई थी। क्वीन अपनी मॉम से काफ़ी क्लोज थी जिससे कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी मॉम उसके आसपास ही है और दूसरी दुनिया से उसे पुकार रही है। फिर क्वीन को एलिस के बारे में पता चलता है जो कि मरे हुए लोगों से कांटेक्ट कर सकती है। क्वीन अपनी मॉम से कांटेक्ट करना चाहती थी इसलिए वो मदद के लिए एलिस के पास जाती है, बट एलिजे उसे बताती है कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसने ये काम छोड़ दिया है, बट क्वीन के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाती है। फिर एलिजे क्वीन की मॉम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट एलिजे को कोई शैतानी आवाज़ें आती है जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है और क्वीन की मॉम से कांटेक्ट नहीं कर पाती है। फिर एलिजे क्वीन को उसकी मॉम से कांटेक्ट करने से साफ मना करती है और उसे बताती है कि जब हम किसी मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम पुकारते तो किसी एक आत्मा को हैं, बट सुनाई वहां मौजूद सभी आत्माओं को देता है जिससे कभी कभी बुरी आत्मा हमारे पीछे पड़ जाती है। एलिजे के इतना समझाने के बाद क्वीन वापस घर चली आती है। फिर उसी रात क्वीन को सोते समय उसके रूम में किसी के होने का एहसास होता है, बट वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है और वो सो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद क्वीन एक थिएटर में अपना ऑडिशन देने जाती है क्योंकि उसे एक्टर बनना था, बट ऑडिशन के दौरान उसे वहाँ किसी की परछाई दिखती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो अपना ऑडिशन सही तरीके से नहीं दे पाती है जिससे वो उस ऑडिशन से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। क्वीन काफ़ी दुखी हो जाती है और वो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार अपने डैड को मानती है क्योंकि उसकी मॉम के मरने के बाद उसके डैड उससे कभी ठीक से बात नहीं करते थे और हमेशा घर की और उसके छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने को कहते थे। क्वीन ये सभी बातें अपनी फ्रेंड मैगी को बता रही थी। तभी क्वीन को फिर से सड़क के बीचों बीच वही परछाई दिखती है जो क्वीन को इशारा कर रही थी। वो उस परछाई के करीब जाने की कोशिश करती है, तभी एक कार क्वीन से टकराती है जिससे क्वीन का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद क्वीन बस तो जाती है, बट उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं और उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। फिर क्वीन अपने घर में शिफ्ट होती है जहां उसके डैड उसे एक बेल गिफ्ट करते हैं जिसे बजाकर वो कभी भी अपने डैड को बुला सकती है। फिर उसी रात क्वीन सो रही होती है तो उसके ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ें आती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी टेबल पर रखा बेल भी अपने आप ही बजने लगता है और फिर हम क्वीन के पीछे एक शैतान को देखते हैं, बट बेल की आवाज़ सुनकर क्वीन के डैड वहां आ जाते हैं। फिर अगली रात क्वीन को उसके बगल वाले रूम से किसी की नॉक करने की आवाज़ें आती है। पहले तो क्वीन को ऐसा लगता है कि शायद उसके पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं, फिर उसी टाइम वो अपने पड़ोसी को मैसेज करके ये पूछती है कि क्या उसने अभी नॉक किया है, तो उसके पड़ोसी उसे बताते हैं कि आज रात वो घर पर है ही नहीं। ये बात सुनकर क्वीन काफ़ी डर जाती है और अपना फेस एक ब्लैंकेट से ढक लेती है। फिर उसे ऊपर वाले फ्लोर से जोरों की आवाज़ें आती है जिससे क्वीन के रूम का सीलिंग भी क्रैक हो जाता है। फिर क्वीन जैसे ही उस ब्लैंकेट को अपने फेस से हटाती है तो वो देखती है कि वो खुद के व्हीलचेयर पर बैठी है और एक शैतान उसके व्हीलचेयर को पीछे से धकेल रहा है। वो शैतान क्वीन को ऊपर वाले फ्लोर में ले जाता है और उसे व्हीलचेयर से नीचे गिरा देता है। तभी क्वीन को उसकी खुद की बिना चेहरे वाली परछाई दिखती है
जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और ज़ोरों से चीखने लगती है। क्वीन की चीखने की आवाज़ सुनकर उसके डैड वहाँ आ जाते हैं, बट उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता है। फिर वो देखते हैं कि उस फ्लोर पर किसी के पैरों के निशान हैं जो कीचड़ से सने हुए हैं, और जब क्वीन के डैड उस निशान को फॉलो करते हैं तो वो निशान एक विंडो तक जाती है जहाँ से कोई कूदकर भाग गया है। और जब क्वीन उस विंडो से देखने की कोशिश करती है तो वो शैतान उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है जहाँ उसके डैड उसे बचाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्वीन अपने डैड को बताती है कि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी, इसके लिए वो अलीज के पास गई थी। और जब से वो अपनी मॉम से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है तभी से ये सब घटनाएं उसके साथ हो रही है। क्वीन के डैड क्वीन की बात पर यकीन नहीं करते हैं और उससे कहते हैं कि अलीज जैसे लोग ढोंगी होते हैं और वो लोग सिर्फ पैसों के लिए हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसके बाद कई बार वो शैतान क्वीन पर हमला करता है जहाँ हर बार उसके डैड उसे बचा लेते थे। दूसरी तरफ एलिज को भी ऐसा महसूस होता है कि क्वीन किसी बड़ी मुसीबत में है और वो क्वीन की मदद करने के लिए क्वीन से मिलती है। फिर वो क्वीन की मदद करने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाती है जहाँ उसे ब्लैक ब्राइड नाम की एक बुरी आत्मा मारने की कोशिश करती है, जिससे एलिज फिर से बुरी तरह से डर जाती है और क्वीन की मदद करने से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर क्वीन के डैड एस्पेक्ट्स और टकर नाम के दो ब्लॉगर से मिलते हैं, बट वो शैतान क्वीन पर पूरी तरह से हावी हो चुका था जिससे वो लोग भी क्वीन की मदद नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरी तरफ एलिजे को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड काल से मिलती है, जहां काल एलिजे को समझाता है कि वो अभी जीवित है और वो मरे हुए लोगों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है और भगवान ने उसे ये शक्ति लोगों की मदद करने के लिए ही दिया है। काल की ये बातें सुनकर एलिजे फिर से क्वीन की मदद करने जाती है, जहां इस बार एस्पेक्ट्स और टकर भी उसका साथ दे रहे थे। फिर एलिजे पूरे घर को देखने के बाद उन्हें बताती है कि क्वीन के पीछे जो शैतान पड़ा है वो कई साल पहले इसी अपार्टमेंट के ऊपर वाले फ्लोर में रहा करता था। और वो बताती है कि नॉर्मली बुरी आत्माएं जिंदा लोगों के शरीर में प्रवेश कर वापस से जीना चाहती है, बट ये आत्मा बिल्कुल अलग है। ये शैतान जीवित लोगों की आत्माओं को अपनी दुनिया में ले जाकर उन्हें कैद कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है, और इस बार उसने क्वीन की आधी आत्मा को कैद कर लिया है। फिर एलिजे क्वीन की मदद करने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाती है और इस बार काल की बातों से वो काफ़ी स्ट्रांग थी। एलिजे को वहाँ एक आत्मा दिखती है जिसे उसी शैतानी आत्मा ने कैद कर रखा था। वो आत्मा एलिजे को उस शैतानी आत्मा का पता बताती है, लेकिन एलिजे जब वहाँ जाती है तो उसे वहाँ उसका हस्बैंड जैक मिलता है जिसने एक साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। एलिजे अपने हस्बैंड को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर जैक एलिजे को भी खुद को मारने को कहता है ताकि वो दोनों हमेशा इस दुनिया में एक साथ रह सकें, लेकिन एलिजे समझ जाती है कि वो उसका पति नहीं बल्कि वही शैतानी आत्मा है जो जैक का रूप लेकर एलिजे से आत्महत्या करवाना चाहता है। फिर एलिजे उस शैतान से सामना करती है और उसे हराती है। फिर उसे वहाँ क्वीन की हाफ सोल भी मिलती है। वो क्वीन की आत्मा को लेकर अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है, जहाँ वो खुद तो उस दुनिया में पहुँच जाती है बट क्वीन नहीं आ पाती है, क्योंकि वो शैतान फिर से क्वीन की आत्मा को पकड़ लेता है और पूरी तरह से उस पे हावी होने लगता है और उसे कमज़ोर बना देता है। इस बार वो उसे पूरी तरह से ले जाने की कोशिश करता है, तभी एलिजे क्वीन की मॉम से कॉन्टैक्ट करती है और उसे क्वीन की मदद करने को कहती है। फिर क्वीन की मॉम क्वीन के पास आती है और उसके कानों में कुछ बोलती है। अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर क्वीन को हिम्मत मिलती है और वो उस शैतान को हरा कर वापस इस दुनिया में आ जाती है। फिर एलिजे क्वीन को बताती है कि उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है और उसी ने उसकी जान बचाई है और वो हमेशा उसके साथ ही रहती है, यहाँ तक कि वो ऑडिशन के टाइम भी उसके साथ ही थी। क्वीन एलिजे की बात सुनकर काफ़ी खुश होती है और इमोशनल भी हो जाती है। फिर क्वीन और उसके डैड एलिजे को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर एलिजे एस्पेक्ट्स और टकर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब से
वो लोग एक टीम बनकर लोगों की हमेशा मदद करेंगे। फिर हम एंड में देखते हैं कि अलीजे अपने हस्बैंड की जैकेट देखकर इमोशनल होती है और उसे मिस करती है। तभी अलीजे का डॉगी अंधेरे में बाहर की तरफ देखता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, जहां अलीजे को एक परछाई दिखती है और देखते ही देखते वो परछाई अलीजे के पीछे आ जाती है, जहां हम एक रेड डीमन को देख पाते हैं और ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं बता दूं, ये रेड डीमन वही होता है जिसने इंसीडियस चैप्टर 1 में जॉस के बेटे डेल्टॉन को कैद कर लिया था। तो अब अलीजे के साथ आगे क्या क्या होने वाला है ये हमें इंसीडियस द लास्ट की में पता चलेगा। तो दैट्स इट फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।